हेलो फ्रेंड, मैं इसरार खान खुश आमदीद करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पटना बर्ड्स लवर में। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक है वायरल इन्फेक्शन से हम अपने बर्ड्स को कैसे बचाएं, कौन सा मेडिसिन यूज़ कराएं और ये यानी कितने यानी कि डोज दें, कितने यानी कि दिनों का कोर्स कराएं। तो हम इसी टॉपिक पर वीडियो में आपको बताएंगे और वीडियो में आपको पता चलेगा कि कौन सा मेडिसिन अच्छा काम कर रहा है जो मैं खुद यूज़ किया हूं अपने बर्ड्स पर। तो उसी मेडिसिन के बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। तो वीडियो में आप बने रहें, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है कि वायरल इन्फेक्शन जो बर्ड्स में लग जाता है तो उस टाइम हमें कौन सा मेडिसिन यूज़ कराना है, कौन सा मेडिसिन अच्छा काम करेगा, कौन सा मेडिसिन से अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, तो इसी सब चीज़ की जानकारी मैं आपको दूंगा। तो वीडियो में आप बने रहें, पूरा वीडियो को देखें ताकि मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो आपके काम आ सके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बर्ड्स में जो वायरल इन्फेक्शन लग जाता है, जब मौसम अचानक से चेंज होने लगता है, काफ़ी ज़्यादा यानी कि बारिश लगातार हो रहा है, मौसम काफ़ी ठंडा है, फिर यानी कि एक से दो दिन के बाद काफ़ी ज़्यादा गर्मी होने लगा, यानी कि काफ़ी तेज़ धूप निकल रहा है, इस टाइम क्या होता है कि मौसम यानी कि अचानक से ठंडा गर्म होने के कारण मौसम चेंज होता है और बर्ड्स में क्या होता है कि सर्दी बुखार नज़ला यानी कि थोड़ा आने लगता है, जिस कारण से बर्ड्स क्या होता है थोड़ा सुस्त हो जाते हैं, ठीक से खाना पीना खा नहीं पाते हैं। खास के बजीज पैरोट में ये मसला देखने को मिलता है, क्योंकि बजीज पैरोट जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा यानी कि नाजुक परिंदे हैं, वो यानी कि थोड़ा सा भी मौसम चेंज होता है तो वो यानी कि सुस्त हो जाते हैं, यानी कि ठीक से खाना पीना नहीं खाते हैं या मोशन वगैरह लगने लगता है। तो इसे टाइम में हम यानी कि कौन सा मेडिसिन यूज़ कराएं, क्योंकि जो बर्ड्स लवर है, बिगनर भाई हैं, वो जो बर्ड्स रखते हैं और जो उनके यहाँ के बर्ड्स अगर बीमार हो गए तो वो सीधा एक ही काम करते हैं और एक ही काम यानी कि उनको समझ में आता है कि सीधा एंटीबायोटिक यानी अपने बर्ड्स को दे दें ताकि बर्ड्स हमारे जल्दी से ठीक हो जाए। तो इस चक्कर में क्या होता है कि एंटीबायोटिक का डोज ज़्यादा पड़ जाता है बर्ड्स को और बर्ड्स आपके यहाँ पहले से ठीक से खाना पीना खा नहीं रहे हैं तो बर्ड्स तो थोड़ा कमज़ोर हो जाते हैं। तो उस टाइम क्या होता है कि एंटीबायोटिक का आप अगर डोज देते हैं और वो ज़्यादा यानी कि डोज पड़ गया तो जिसमें क्या होता है कि बर्ड्स आपके यानी कि मर जाते हैं, यानी कि बच नहीं पाते हैं। और ऐसे भी एंटीबायोटिक का कोर्स हमें नहीं कराना चाहिए। अगर बर्ड्स में वायरल इन्फेक्शन है या फ्लू है, बुखार है या नज़ला है या कोई भी यानी कि मौसम चेंज हो रहा है और आपके यहाँ के बर्ड्स बीमार हो गए हैं तो इस टाइम हम क्या करें कि अपने बर्ड्स को यानी कि एंटीबायोटिक का कोर्स बिल्कुल ना कराएं, क्योंकि एंटीबायोटिक देने से एक मसला ये होता है कि जो भी वायरल इन्फेक्शन बर्ड में रहता है वो यानी कि बहुत ज़्यादा यानी कि जल्दी यानी कि वो फैलने लगता है, एक बर्ड्स से दूसरे बर्ड्स में यानी कि लग जाता है, जिससे क्या होता है कि बर्ड्स आपके ठीक होने के बजाय और भी बर्ड्स क्या होते हैं, बीमार होने लगते हैं, सुस्त होने लगते हैं। तो इस टाइम हमें कौन सा मेडिसिन अपने बर्ड्स को दें ताकि बर्ड्स भी हमारे हेल्दी रहें और बर्ड्स अच्छी तरीके से यानी कि ठीक हो जाएं, रिकवर हो जाएं। क्योंकि मैं अपने बर्ड्स पर ये मेडिसिन खुद यूज़ किया हूँ, जब तक जब मैं खुद यूज़ करके यानी कि रिज़ल्ट उसका मिलता है तभी मैं आप लोग के लिए वीडियो यानी कि लेके आता हूँ। क्योंकि जब तक मैं उस मेडिसिन से यानी कि सर्टिफाइड नहीं होऊंगा तब तक वो मेडिसिन मैं आप लोग को नहीं बताऊंगा। तो मैं दो मेडिसिन आपको बताना चाहूँगा जो यानी कि काफ़ी अच्छा मेडिसिन है और उसका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और बर्ड्स को यानी कि कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, नुकसान नहीं पहुँचता है। तो अगर आप ये दो मेडिसिन अपने बर्ड्स को देते हैं और यूज़ कराते हैं तो कोई भी वायरल इन्फेक्शन बर्ड्स में अगर लगा होगा या यानी कि बर्ड्स को नज़ला, सर्दी बुखार या मोशन वगैरह कुछ भी होगा तो बर्ड्स आपके यहाँ
ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ये जो दो मेडिसिन है ये एंटीबायोटिक का काम करता है, और होम्योपैथ जो मेडिसिन है वो काफ़ी हल्का यानी कि लाइटली होता है, वो ज़्यादा यानी कि बर्ड्स को नुकसान नहीं देता है। अगर आप एक दो बूंद ज़्यादा भी यानी कि पड़ गया यानी कि वाटर में या जो बर्ड्स को पानी देते हैं, तो उससे यानी कि बर्ड्स को यानी कि कोई नुकसान नहीं पहुँचता है। अगर आप यानी कि एलोपैथ मेडिसिन अगर अपने बर्ड्स को दे रहे हैं और थोड़ा भी यानी कि एक दो बूंद एक्स्ट्रा पड़ जाता है, तो वो फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा पहुँचाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सा मेडिसिन है। तो पहले हम R87 मेडिसिन है, हेम्योपथ का है, जर्मन कंपनी का है, जो एंटीबैक्टीरियल में काम आता है। कोई भी बर्ड्स में यानी कि बैक्टीरियल कीड़ा वगैरह हो, पेट में वॉर्म हो, उसमें आपको काम आएगा। जो भी यानी कि सर्दी जुकाम बुखार जो होता है बर्ड्स को, तो वो यानी कि रिकवर करता है, उससे ठीक करता है, क्योंकि ये एक तरीके का एंटीबायोटिक है होम्योपैथ में। और एक है R88 है, जो एंटी वायरल इन्फेक्शन में बर्ड्स के काम आता है, यानी कि जो भी बर्ड्स को मौसमी यानी कि बुखार है, सर्दी जुकाम किस तरह का भी यानी कि वायरल इन्फेक्शन जो बर्ड्स में आता है, जो बर्ड्स में बीमारी आता है, तो उसमें ये यानी कि मेडिसिन काफ़ी अच्छा काम करता है। अगर ये दोनों मेडिसिन का हम अपने बर्ड्स को कोर्स करा देते हैं, तो बर्ड्स में यानी कि कोई भी यानी कि वायरल इन्फेक्शन हो या बैक्टीरिया वगैरह हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, बर्ड्स आपके यानी कि जल्दी ठीक हो जाएंगे और फिट हो जाएंगे और बीमार यानी कि बहुत ही कम पड़ेंगे। तो इसका कोर्स कराने का एक तरीका है, अगर आपके पास 500 ml यानी कि वाटर अगर आप अपने बर्ड्स को यानी कि दे रहे हैं, तो उसमें क्या करना है कि 10 बूंद यानी कि एंटीबैक्टीरियल जो है R87 वो डाल देना है। उसका आप 3 दिन कोर्स करा दें, और फिर क्या करें कि एक दिन क्या करें कि सादा पानी अपने बर्ड्स को दें, और फिर 3 दिन के बाद यानी कि एक दिन सादा पानी देने के बाद फिर 3 दिन का आप एक और कोर्स करा दें, जो R88 का है, होम्योपैथ का है, एंटीवायरल, जो यानी कि बर्ड्स में कोई भी इन्फेक्शन वगैरह होगा। तो दोनों यानी कि 3 3 दिन का कोर्स करा दें, 500 ml यानी कि वाटर में 10 10 बूंद आप दे के, यानी कि अगर ये 1 वीक में यानी कि कोर्स करा देते हैं अपने बर्ड्स को, तो बर्ड्स आपके हेल्दी फिट और एक्टिव हो जाएंगे, अब बर्ड्स जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो ये मेरा एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, क्योंकि अभी का जो माहौल है, अभी बहुत सारे यानी कि वायरल इन्फेक्शन जो बर्ड्स में यानी कि नज़र आ रहे हैं, जो घर के अच्छे बर्ड्स हैं वो भी कभी कभी आपने देखा होगा कि सुस्त हो जाते हैं, मौसम जो चेंज होता है, बारिश वगैरह लगातार हो रहा है, हवा चल रहा है, तो बर्ड्स आपके सुस्त हो जाते हैं। तो इसी टाइम हम ये अपना कोर्स करा देते हैं अगर अपने बर्ड्स को 1 वीक का, तो बर्ड्स आपके यानी कि जल्दी यानी कि सुस्त नहीं होंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे, मोशन वगैरह नहीं होगा। क्योंकि अभी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बीमारी आया हुआ है, अलग अलग जगह का बर्ड्स आपको मार्केट में देखने को मिलेगा, और जो क्या है सब में यानी कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, वायरल इन्फेक्शन यानी कि बर्ड्स में आ गया है, जिस कारण से आप अगर अभी बर्ड्स लेने का शौक़ रखे हैं, तो आप प्लीज़ मार्केट से बर्ड्स ना परचेज़ करें, क्योंकि अभी मार्केट में बहुत यानी कि बीमारी वगैरह है, जिस कारण से अगर आप बर्ड्स ले के आते हैं और आपके पास पहले से कुछ बर्ड्स है, तो वो बर्ड्स भी बीमार हो जाएंगे और वो मर जाएंगे। तो लेने का अगर आप शौक़ हैं, तो आप किसी ब्रीडर भाई से कॉन्टेक्ट करके उनसे ही लें, ताकि बर्ड्स आपको अच्छे मिलें, क्योंकि अभी जो मार्केट में है काफ़ी ज़्यादा बीमारी है, जिस पैरोट में अक्सर ज़्यादा ये बीमारी आ जाता है, जिस कारण से वो बर्ड्स यानी कि ज़्यादा यानी कि डिफेक्टिव मिलेंगे आपको, वो तो आप मार्केट से अभी बर्ड्स ना लें। तो बस ये मेरा छोटा सा एक टॉपिक था, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, कमेंट ज़रूर करें किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं कोशिश करूँगा आपके लिए उसी टॉपिक पर वीडियो लेके आएँ, और हमारे चैनल को सपोर्ट किया करें, शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना और अपने बर्ड्स का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।